हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने जो कल ख़त्म किया था लेक्चर, इसमें देखो ग्रुप मैंने आपको बताया था, ग्रुप कैसे फाइंड आउट करना है। लॉन्ग मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है। सिर्फ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। उससे आप चाहे पीरियड हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे ग्रुप हो, ये एकदम से निकाल सकते हो। इसमें क्या है, अगर मुझे पता चल गया कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, या नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो, या हम ये चेक करेंगे उसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इन आउटर मोस्ट एस शेल में, जो लास्ट का एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कैल्शियम होता है 20 20, मींस क्या हो गया, आर्गन आ गया एंड 4s2। तो लास्ट में देखो कि जो एस है, लास्ट वाले एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये सेकेंड ग्रुप का है। रूबीडियम है, रूबीडियम होता है 37, तो हमने लिखा पहले क्रिप्टन 36 और फिर ये 5s1। तो देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप का। नेक्स्ट इज पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब होता है 19, तो आर्गन हमने लिखा 18 एंड 4s1, तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर एस ब्लॉक का होगा तो हमने देखना है एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एस में या तो 1 होगा या 2, इसके अलावा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। फिर हम चेक करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का मतलब जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं +10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जनरली हम क्या करते हैं, एस और पी दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल या पी सबसेल +10। ये 10 कौन से हैं, जो डी ब्लॉक के मिडिल में है, वो 10 यहां पे इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर इज 5, तो हमने कैसे लिखा, हीलियम फिर 2s2 एंड 2p1। तो कैसे करेंगे, देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 1 है, तो 2 + 1 = 3, और बीच में हम 10 ऐड कर देंगे, यानी टोटल 13 ग्रुप का एलिमेंट। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपको एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम के लिए कैसे करेंगे, देखो एल्यूमिनियम है हमारा नियॉन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, तो हमने क्या किया, नियॉन किया 10, उसके बाद आगे हम क्या करेंगे 3s2 एंड 3p1, तो इन दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 + 1, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, इसमें 1, तो 2 + 1 और +10, तो ओवरऑल ये हो गया आपका 13 ग्रुप। सेकंड, अगर कोई भी, जैसे मैंने कहा क्लोरीन है, क्लोरीन मीन्स 17, तो 17 के लिए क्या करेंगे, नियॉन आ गया आपका नियॉन 10, उसके बाद फिर 3s2 एंड 3p5, 10 + 2 = 12 और +5। अब देखो इसका अगर मुझे निकालना है तो जितने s में इलेक्ट्रॉन है प्लस जितने p में इलेक्ट्रॉन है +10, तो मींस क्या हो गया, दैट इज 17 ग्रुप। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि मैंने 10 ऐड क्यों किया इसमें। देखो 10 ऐड करने का रीजन क्या है कि देखो पहले हमने s के 2 इलेक्ट्रॉन आए तो हमने s के 2 फिल किए, फिर देखो 3 से लेके और 12 तक ये बीच में है, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए 10, और फिर ये लास्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है, देखो 13 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 10 ऐड करना पड़ रहा है, या ओवरऑल हम कहें शॉर्ट में 12 ऐड कर दो, 12 ऐड करो और जितने पी के इलेक्ट्रॉन है उसे ऐड कर दो। 12 कैसे, देखो 2 तो ये है ही, 10 ये, तो ओवरऑल देखो यहाँ तक 12, तो 12 आपको ऐड करना पड़ेगा, और जितने पी में इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको सल्फर है 16, तो नियॉन, उसके बाद फिर 3s2 एंड 3p4, तो देखो 2 + 4 + 10, एस के चाहे आप इंक्लूड करो, अगर एस के इंक्लूड नहीं करो तो 12 ऐड करना है, तो 10 + 2 + 4 यानी 16 ग्रुप। तो
तो इस तरीके से हमें पी का निकालना। अगर मैं कहूंगा आपको डी ब्लॉक के लिए निकालो, तो डी ब्लॉक के लिए क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसमें इन एन माइनस वन डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस इलेक्ट्रॉन, एन एस में यानी आउटर मोस्ट में जितने हैं और एन माइनस वन में जितने, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका डी ब्लॉक का आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 होता है, आर्गन लिया हमने, आर्गन होता है 18, उसके बाद 4s2 and 3d1, तो कितना है 2+1, इन दोनों को ऐड कर दो बस आउटर मोस्ट वालों, n माइनस वन मतलब ये 3 और n मतलब 4, तो 2+1 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 एंड सेकेंड में 1, यानी दिस इज बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, तो स्कैंडियम बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। तो सेम थिंग इज दैट फॉर टाइटेनियम Ti 22, आर्गन 18 एंड 4s2 and 3d2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ti। देन वी एड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल एंड सेकेंड लास्ट यानी पेनल्टीमेट सबसेल ऑफ d ऑर्बिटल, 2+2 मीन्स 4, मीन्स द ग्रुप नंबर ऑफ टाइटेनियम इज 4। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक में कौन से हो सकते हैं, डी ब्लॉक में इन जनरल 21 से 30 तक, दिस इज कॉल्ड 3d क्योंकि इसके लास्ट में 3d आता है, देन 39 टू 48 दिस इज कॉल्ड 4d, उसके लास्ट में 4d आएगा, देन 57 और उसके बाद है 72 से लेके 80 तक, दिस इज कॉल्ड 5d सीरीज, और लास्ट में हमारे पास आता है 89 फिर 104 से 112, दिस इज कॉल्ड 60। तो ये 60 के एलिमेंट है, आपको क्या करना है यहां से इस एलिमेंट को इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो। और जो लास्ट आता है हमारे पास एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का सिंपल सा फंडा है, देखो एफ ब्लॉक में आपने सोचना ही नहीं है, एफ ब्लॉक में क्या करना है कि ये थर्ड ग्रुप में ही आएगा, फिक्स है ये। एफ में कौन कौन से होंगे, एफ में होते हैं 58 से 71, दिस इज कॉल्ड 4f सीरीज, और सेकेंड वन आता है हमारे पास 90 से 103, दिस इज कॉल्ड 5f सीरीज, और क्योंकि 58 और 90 क्या है थर्ड ग्रुप में आते हैं, इसके अलावा देखो 57 और 89 भी थर्ड में आते हैं, ये डी ब्लॉक के हैं लेकिन आते थर्ड में हैं। तो ये जितने भी ग्रुप हैं आपके पास ये फिक्स है, ध्यान रखना 57 से 71, 89 से 103, ये ओवरऑल थर्ड ग्रुप में आएंगे। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड बताया था आपको मैंने, शॉर्टकट मेथड के लिए अगर सपोज करो एटॉमिक नंबर है 18 से ज्यादा है और 57 से कम है, 57 क्या करेंगे, देखो हमने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है, नोबल गैस क्या होता है 2 दैट इज फॉर हीलियम, देन नियॉन 10, फिर आर्गन 18, आर्गन के बाद फिर क्या आता है क्रिप्टन आता है 36, फिर जिनॉन आता है 54, फिर आता है रेडॉन दैट इज 86, और लास्ट में इसमें आता है आपका 118 यानी UUO। अब देखो सिंपल सा फंडा क्या करना है आपने, सपोज कोई भी नंबर दे दिया मैंने आपको, जैसे मैंने दे दिया आपको 27, तो आपने देखना इससे पहले कौन सा लोअर नोबल गैस एटॉमिक नंबर, इससे लोअर वाला कौन सा है, इससे लोअर वाला देखो 27 से पहले कौन आता है 18, तो 18 प्लस x इज इक्वल टू 27, फिर x की जो वैल्यू आएगी ये होगी 27 माइनस 18 मीन्स 9, दिस इज इट्स ग्रुप। कोई भी एलिमेंट आ गया, मैंने आपको कहा यहां से चलो 45,
तो 45 देखो, यहां देखो नोबल गैस 45 कहां आ रहा है, 45 से पहले कौन सा आएगा, 36। तो हमने क्या किया, 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 45 माइनस 36, यानी कौन सा आ गया, ये 9 ग्रुप। बहुत सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको 57 क्यों बोला, क्योंकि उसके बाद f ब्लॉक आ जाता है। देखो f आ जाता है 58 से लेके और 71 तक, ठीक है। तो ये हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, देखो हम इसे रख रहे हैं थर्ड ग्रुप में, तो यहां पे थोड़ा आंसर क्या होंगे, अफेक्ट हो जाते हैं। यानी 72 से लगभग 86 तक कोई भी आएगा तो हमें क्या करना है, एक चेंज करना है बस, ओनली वन चेंजेस दिया, और हम उसमें क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि एफ ब्लॉक होता है जो उसमें 14 एलिमेंट होते हैं। सपोज मैंने कहा 72 का बताओ, कॉन्सेप्ट सेम है, देखो 72 में हम उसके लोअर वाला देखेंगे, 72 से लोअर वाला कौन सा है, देखो 72 से लोअर है 54। तो हमने क्या किया, 54 प्लस 14 प्लस एक्स। अब ये 14 ऐड क्यों किया, आप समझ गए होंगे कि 14 ऐड यहां से हुई है। ये सब के सब को हमने एक ही ब्लॉक में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया, थर्ड ग्रुप में। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस 14 को ऐड करना पड़ेगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 72। अब हम यहां से एक्स निकालेंगे तो कितना होगा, 72 माइनस इसको ऐड करेंगे 68, यानी फोर्थ ग्रुप। ऐसी कोई भी आपको मैंने कहा चलो 83 का बता दो, 83 में देखो सिंपल सा फंडा है, 54 तो हमने लाना ही है, एक्स भी लाना ही है, और इसके आगे क्या कर सकते हैं हम, 14 हमने लाना ही है। ये तो सबके लिए सेम रहेगा, इज इक्वल टू यहां लिख दो 83। अब आपको पता है इन दोनों को प्लस करके 68 आता है, तो इसको माइनस कर दो, एक्स इज इक्वल टू 83 माइनस 68 कितना आ गया, देखो यहां पे ये हो गया 15, यानी 15 ग्रुप का है। बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है हमने। अगर आपको इसके अलावा हमने दे दिया, कुछ भी सोच लो आप अपने मन से, आपने कहा 78 का बता दो, तो 78 के लिए क्या करेंगे कि हमने कहा 54 प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 78, सॉरी तो 78 लिख दिया हमने। अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 78 माइनस 68 यानी 10। तो जो 78 होगा वो कौन से ग्रुप में हो जाएगा, 10th ग्रुप में हो जाएगा। अब देखो यहां से आपको पता है कि जो 58 से 71 भी थर्ड ग्रुप में है, और दूसरा 89 से 103 भी किस में है, थर्ड ग्रुप में, क्योंकि ये भी एफ वाला है। तो अब क्या बच गया, 104। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं, देखो कई बार फंस जाते हैं इसमें। 104 से लेके 118 तक के एलिमेंट नोन है, तो आपने क्या करना, इसके लास्ट वाले डिजिट को देखना है। 4 है तो इसका मतलब ये फोर्थ ग्रुप में, अगर ये 112 है तो ये लास्ट के दो डिजिट देखो 12th ग्रुप, अगर मैंने कहा 115 है तो लास्ट के टू डिजिट 15 ग्रुप। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, 118 का मतलब ये 18 ग्रुप, कोई भी आ जाएगा। 109 का मतलब ये 9th ग्रुप, अगर 100 आपको बोला 11 मींस 11th ग्रुप, ये लास्ट के दो डिजिट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोनों आपको टेक्निक बता दी है, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको तीनों चीज पूछी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि इसका ब्लॉक भी बताओ क्या है, इसका पीरियड भी बताओ क्या है, और आपको इसका ग्रुप भी बताना क्या है। तो इसके लिए अगर आप सबसे बेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे करो, सबसे बेस्ट टेक्निक है जो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ भी दे दिया, मैंने कहा आपको 34 मींस आपके पास क्या है, 34 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इसे फिल करना है, तो इसके लिए आपको टेक्निक बताई थी अपबाउ रूल का। इसमें देखो 34 है मेरे पास, तो यहां से जाओ आप, देखो 34 का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, 18 मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नोबल गैस का हो गया 18 तक, यानी ये 4s से स्टार्ट हो, तो 4s2 और ये 3d 10 हो जाएगा, तो 2 प्लस 10 12, अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो दो कहां जाएंगे आपके 4p में,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखो आर्गन को आप लिख दो दैट इज 18, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने किया 4s2 3d10 और 4p2। अब देखो हमने इसका अगर ब्लॉक निकालना है तो कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी में, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक हो गया। आपको मैंने कहा कि अगर पी ब्लॉक में आपने क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, तो पीरियड कौन सा इसमें हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट कौन सा, फोर्थ, यानी ये फोर्थ पीरियड का हो गया जो भी हाईएस्ट। अब देखो ग्रुप है, ग्रुप के लिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2+12 कर दो, सिंपल सा, जितने पी में इलेक्ट्रॉन है प्लस 12 कर दो, तो यानी कौन सा ग्रुप हो गया, ये 14 ग्रुप हो गया। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है आपको कि आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आराम से निकाल सकते हो। तो मैंने कहा आपको चलो 45 का निकालो, तो 45 के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से चले जाओ, 45 से पहले 36 आता है, जो नोबल गैस है 36 कहां पे आ रहा है, देखो 36 आएगा आपका लगभग यहां से, आप पीरियड से निकाल सकते हो। देखो 36 के लिए कैसे निकालेंगे, 36 के लिए देखो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड नोबल गैस का, देखो थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड आपका 36 में आ रहा है। तो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ जाओ कि फोर्थ पीरियड में आपका 36 कंप्लीट हो गया। अब हम केवल कहां से देखेंगे, 5 से देखेंगे। तो आप क्या करोगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 45 पे यानी इसके पहले 36 आएगा, तो 36 मींस क्रिप्टन, क्रिप्टन हमने लिख दिया। अब क्रिप्टन कहां पे आ रहा है, देखो फोर्थ पीरियड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे, 5s, तो हमने क्या किया यहां पे 5s2 लिख दिया। अब देखो इसमें आ जाओ, यहां से सिंपल है, देखो 5s पड़ेगा, 5s के बाद कौन जाएगा, 4d जाएगा मेरे पास, तो यहां 4d को आपने फिल कर दिया, तो 4d अब कितने बज गए, देखो ये है आपका 36+2 38, तो 45-38 मीन्स 7। हालांकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, यहाँ पे S1 होता है और D8 होता है, लेकिन बात एक ही है, प्लस करके दोनों में सेम आएगा, 8+1 9। तो इसका मतलब देखो पहले हम देखेंगे इसमें ग्रुप कौन सा है, सॉरी ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक कहाँ आ रहा है, लास्ट आ रहा है डी में, यानी डी ब्लॉक का। सेकेंड हम इसमें देखेंगे पीरियड, पीरियड में देखो हाइएस्ट नंबर कौन सा है, 5, तो दिस इज बिलोंग टू 5th पीरियड। और अब ग्रुप देखेंगे, ग्रुप के लिए मैंने आपको कहा था इन दोनों को ऐड कर दो लास्ट वालों को। डी ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एस और डी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट को से ऐड कर दो, तो 8+1 यानी 9, तो 9 ग्रुप। तो बहुत सिंपल सा फंड है, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी सिंपल है, कोई भी आप ले लो यहां से, कितने भी ग्रुप को ले लो, आप ले लो 75 ले लो, तो 75 से पहले देखो 54 किसका होगा, जिनॉन का, तो यहां 54 खत्म हो गया। अब देखो 54 कहां पे आ रहा है आपका, 54 आ रहा है आपका 5th पीरियड में, तो ये 5th पीरियड खत्म हो गया, यानी हम 6s से स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे आ जाओ देखो 6s, ये 6s से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 6s2 करेंगे पहले, और 6s के बाद कहां जाएगा, 4f, देखो 6s के बाद 4f, फिर 5d, तो इस तरीके से आप फिल करो, फिर 6p, तो आप चारों को लिख दो यहां पे, देखो इसके बाद क्या, 6s2 फिर 4f फिर 5d और फिर 6p। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 75 टोटल थे और 54 यूज हो गए, यानी कितने बच गए, 21 में से दो हमने यहां खर्च कर दिए 14 में, f में मैक्सिमम 14 होते तो हमने इसे 14 रख दिया, कितना होगा देखो 14+2 16, और कितने थे 21 थे, यानी कितने बच गए, 5 बच गए, तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, यानी 75 कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। आपको बताया था मैंने, अगर डी ब्लॉक में हुआ तो हमने लास्ट में क्या करना है कि डी और एस को ऐड कर दो, एस में 2 है और डी में 5 है, तो 5+2 यानी 7th ग्रुप। और पीरियड तो और भी आसान है निकालना, पीरियड के लिए हाईएस्ट नंबर कितना है, 6, यानी ये 6th पीरियड। तो आप ग्रुप भी निकाल सकते हो, ग्रुप के लिए अगर आपको ब्लॉक पता है तो एस और डी में जितने इलेक्ट्रॉनों से ऐड कर दो, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 5, तो 5+2 7 ग्रुप, 6 पीरियड और
डी ब्लॉक। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट मैंने आपको दे दिया 111, अब मुझे पता नहीं चल रहा है तो इससे पहले देखो कौन सा आ रहा है। इससे पहले आता है रेडॉन आरएन, ये देखो यहां पे आ जाओ 100 से पहले, 111 से पहले, एक मिनट। तो 111 में हमने देखा कि 111 से पहले कौन सा नोबल गैस है, आरएन, आरएन 86, यानी 86 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो आप इसे छोड़ दो, अब 86 चले गए हमारे पास। और ये कौन सा पीरियड चला गया, हमारे पास 6 पीरियड हो गया, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो हम यहां पे 7 से स्टार्ट करेंगे। देखो अब यहां आ जाओ 7 से, 7s, 7s के बाद क्या आएगा 5f6d और 7p, तो आप इसे लिख दो 7s 5f 6d 4p। तो यहां पे हमने क्या किया, जो ये लिखा इसमें देखो 7s2, इसके बाद फिर 5f, उसके बाद फिर 6d और फिर 7p। अब देखो 111 था, यानी इतने इलेक्ट्रॉन है, 86 चले गए, तो 111 में से 86 गए तो कितना बच गया हमारे पास, 14 प्लस 11, यानी कितना बच गया 25। अब 25 इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ फिल करना, पहले मैंने दो ये फिल कर दिया और 14 इसमें फिल हो गया, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16, इससे 16 गया तो यहाँ बच गया 9, तो डी में 9 आ सकता है, यानी ये कौन सा 69। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, इसे हटा दो। अब लास्ट कहाँ पे जा रहा है, डी में जा रहा है, यानी कौन से ब्लॉक का हो गया, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। सेकंड देखो, पीरियड बहुत सिंपल है, हाईएस्ट कौन है इसमें 7, तो ये 7th पीरियड, और इसके बाद फिर आपको मैंने कहा था अगर मुझे ग्रुप फाइंड आउट करना है और ये डी ब्लॉक का है तो जितने एस में होंगे और जितने डी में, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 प्लस 2 11, तो ये 11 ग्रुप। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को निकालना क्या बिल्कुल आसान है। तो अगर आप फोकस करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो क्या होगा, इजीली हो जाएगा। तो ये मैंने आपको, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, ये मेरे को आंसर चाहिए आपसे, तो इवनिंग तक आप इसके आंसर मुझे सेंड करना, इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, देखो एक्सेप्शनल केस है हीलियम, हीलियम को हम लिखते 1s2, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है और 18 ग्रुप में आता है, 18 ग्रुप हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो इसीलिए फर्स्ट। सेकंड आता है लैंथेनम एंड एक्टिनम, लैंथेनम 57 होता है, तो 57 में देखो 6s के बाद क्या आता है 4f आता है, 6s के बाद देखो 4f आएगा, आपको दिखाता हूं, देखो 6s के बाद क्या आएगा 4f आता है, 4f, लेकिन लैंथेनम में क्या होता है 6s के बाद 5d आएगा। देखो लैंथेनम को हम लिखेंगे 6s2 के बाद 5d1 लिखते हैं, रीजन क्या है इसका, क्योंकि 4f हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो डी ब्लॉक से मैच करेगी। रीजन क्या है कि क्योंकि डी ब्लॉक हम इसे डी ब्लॉक में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी वो डी ब्लॉक से मैच करती है, एफ से मैच नहीं करती, इसीलिए हमने क्या किया 4f में ना डाल के इसको 5d में डाला। और सेम रीजन क्या है इसका, लेंथेनॉइड का, लेंथेनम la जो होता है इसका भी सेम रीजन, ac, एक्टिनम, एक्टिनम का भी सेम रीजन है, 89 होता है, तो 7s के बाद क्या आएगा 5f आएगा, लेकिन हम इसे 5f में नहीं डालते, ये 5f में नहीं डालेंगे हम इसे, 5f की जगह पे हम इसे डालते हैं 6 में। रीजन क्या है, सेम इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डी ब्लॉक से मैच करती है, इसीलिए हम इसे f में नहीं डालेंगे बल्कि d में डालते हैं। और एक लास्ट आता है आपका केस थर्ड, पैलेडियम, पैलेडियम का होता है 6d10 और 5s0, इसमें जबकि पहले इलेक्ट्रॉन s में फिल होता है फिर d में जाता है, लेकिन यहाँ पे s में ना जाकर डायरेक्ट d में जाता है, तो ये क्या, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया हुआ, ये आप बॉर रूल को बिल्कुल ही क्या करेगा, वायलेट करता है। इस तरीके से ये इसके एक्सेप्शनल केस है। तो आपका टास्क क्या है कि एक तो पीरियड और ग्रुप को फाइंड आउट करना।
को नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एडवांटेज, जो हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया उसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज में देखो जो मेन जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का वो हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे किया था, जो ज्यादा फंडामेंटल है, जो ज्यादा बेसिक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किया जो बहुत ज्यादा क्या है सिग्निफिकेंट है। सेकेंड क्या था जो हमने डिवीजन किया, ऐसे अभी हमने कहा एस पी डी और एफ ब्लॉक में हमने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ उसकी प्रॉपर्टीज को समझना और आसान हो गया। जैसे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो हमें फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड ग्रुप को ना पढ़ के एस ब्लॉक को पढ़ लिया। जैसे पी ब्लॉक में 13 to 18, तो हमने क्या किया ब्लॉक वाइज हम स्टडी करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा क्या है इजिली हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल है उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में। एस पी डी एफ जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है अब हमें ग्रुप वाइज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें ब्लॉक वाइज पढ़ना पड़ेगा कि डी ब्लॉक में सारी प्रॉपर्टीज। तो हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो हमें चार की प्रॉपर्टी से क्या होगा हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएगी कि है क्या। तो हमने इसको और ज्यादा आसान बना दिया, पूरे पीरियोडिक टेबल को समझना क्या हो गया, अब आसान हो गया, या उनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट है देखो उनकी पोजीशन को कोरिलेट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे अब हम ही कर ही रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसका पीरियड भी बता रहे थे कौन सा है, उसका ग्रुप भी बता रहे हैं कौन सा है, किस ब्लॉक में है, तो हर एक चीज को हम क्या है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट कर सकते हैं आराम से। अभी हमने जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप और ब्लॉक, वो किसके बेस पे था, टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। नेक्स्ट है देखो जितने भी एलिमेंट है उसकी स्टडी को हमने ग्रुप वाइज किया और उसके बाद ब्लॉक वाइज कर दिया। तो ग्रुप वाइज करना क्या था आसान, ग्रुप वाइज करने में हमने प्रॉपर्टीज को या एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया। जितने भी 118 अब ज्यादा हो चुके हैं, इतने एलिमेंट नोन है, उसको हमने क्या किया 18 ग्रुप और 7 पीरियड में क्लासीफाई कर दिया, जिससे हमारी स्टडी क्या हो गई रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट वन क्या था डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अगर कोई भी न्यू एलिमेंट आ रहा था हम बता सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी या न्यू एलिमेंट कौन सा हो सकता है, हम उसको आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। क्योंकि अगर वो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सेकेंड में आ रहा है तो इसका मतलब वो सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो हम उस जो न्यू एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके नेम को आराम से क्या कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो ये जो पीरियोडिसिटी है उसके रीजन को एक्सप्लेन करता है। कैसे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। हमने देखा था कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, दिखाता हूं आपको। तो ये देखो आप, अगर मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के लास्ट में देखो सबका सेम आएगा, S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, पीरियड अलग अलग हो गए फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो इसका मतलब ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। अब ये देखो 3S2, 3S1 नहीं करेगा सेम, तो इसका अगर 3S2, 4S2 यानी S2 सबके लास्ट में आ रहा है तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे यहाँ देखो 2S2 and 2P1, ऐसी 3S2 यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सबके लास्ट में क्या है 3S और 3P यानी S2 और P1 आ रहे हैं सबके लास्ट में, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी। तो ये देखा गया कि जिनके लास्ट में यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी मीन्स होता है रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। देखो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या है सेम प्रॉपर्टी शो हो रही है, ये एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी सेम होती चली जा रही है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो उसको हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उनका कैरेक्टर यानी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर।
एंड प्री प्रोड्यूस। अभी हमने आपको पूरा पीरियड टेबल लर्न कराया था विद इन 10 to 15 मिनट्स में। तो ये लर्न करना या रिप्रोड्यूस करना इससे क्या बहुत आसान हो गया। इसके अलावा क्या है कि जो मेंडलीप ने क्या किया था, दो सब ग्रुप बनाए थे ए और बी, इसने उससे क्या कर दिया, डिस्कार्टेड कर दिया। उसने कहा हर एक ग्रुप क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो हमने सबको अलग अलग कर दो। तो सब ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, उसे क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट जो मेन चीज क्या थी कि जितने भी डिमेरिट्स थे मेंडलीप के, वो इसने आराम से रिमूव कर दिए। तो मेंडलीप के आपने डिमेरिट्स पढ़ी थी, जैसे एनएमएलएस पेयर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उससे पहले रखा, और एटॉमिक मास जिसका कम था उसे बाद में रखा। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है, तो ये पहले ही रखा जाना चाहिए था, ये बाद में रखा जाना चाहिए था, जस्टिफाई हो गया। ऐसी सेम है कोबाल्ट का और निकल का। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था और निकल का कम था, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए तो देखा कोबाल्ट का 27 और निकल का 28, यानी जस्टिफाई हो गया कि कोबाल्ट को पहले ही रखा जाना था। ऐसे ही देखो टेलोरियम एंड आयोडीन। टेलोरियम का एटॉमिक मास था 127.6 और आयोडीन का था 126.9, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ ये जस्टिफाई हो गया, क्योंकि 52 होता है एटॉमिक नंबर टेलोरियम का और आयोडीन का होता है 53, यानी इससे पहले ही रखा जाना चाहिए। तो ये जो एनएमएलएस पेयर मेंडलीप ने बनाए थे वो क्या हो गए, यहाँ पे इसकी जो प्रॉब्लम खत्म हो गई। सेकेंड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप को उसने अलग अलग जगह पे रखना था, लेकिन जैसे ही क्या वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए तो हमने देखा कि हम उसे एक ही स्लॉट में रख सकते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है 1H1 and 1H2, तो इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होगी, सेम होगी, तो हम उसे सेम स्लॉट में आराम से रख सकते हैं। ऐसी पोजीशन ऑफ आइसोबार। आइसोबार का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। तो जिनका एटॉमिक मास सेम था उनको एक ही स्लॉट में रखा जाना चाहिए था, जो गलत कॉन्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ, अब हम उसे डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। नेक्स्ट वन क्या था कि हमने 8 ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को रखा था, जो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था कि एक ही स्लॉट में हमने 3-3 एलिमेंट को क्यों रखा। जैसे ही पीरियोडिक टेबल आया था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हमने उन तीनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया, उनको हर एक को क्या किया, अलग अलग ग्रुप प्रोवाइड करा दिया, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम भी क्या हुई, खत्म हो गई। नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उसे सेम ग्रुप में रखो, और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उसे डिफरेंट ग्रुप में रखा जाना चाहिए था। तो क्या हुआ कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखा गया और डिसिमिलर को अलग अलग रखा गया। कैसे? सब ग्रुप को हमने आइडिया को ही खत्म कर दिया, तो सब ग्रुप की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब हमने एक ही स्लॉट में ग्रुप ए और ग्रुप बी को रखा था तो उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंट थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यू कॉन्सेप्ट आया उसमें जो सब ग्रुप था ए और बी वाला कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उसे हम एक साथ नहीं रखेंगे। तो सब ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट हटाते ही वो कॉन्सेप्ट हट गया कि एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग ग्रुप में रख रहे थे और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उसे हम एक साथ रख रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यहाँ से खत्म हो गया। और लास्ट मैंने आपको कहा था कि पीरियोडिसिटी का रीजन ये क्या करता है, आराम से एक्सप्लेन करता है। तो ये जो था, दिस इज द मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इसमें आता है डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स हमारे पास केवल दो ही बची, जो मेंडलीप के टाइम की थी वही डीमेरिट्स यहाँ पे भी बची हुई। पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही थी, फर्स्ट ग्रुप के साथ, और कुछ किसके साथ मैच कर रही थी, 17 ग्रुप के साथ, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है।
तो ये अभी तक भी प्रॉब्लम है कि इसको कहाँ पे रखा जाए, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है इसको कहाँ पे रखा जाए, ये अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ये अभी तक भी प्रॉब्लम है कि हम इसे मेन फ्रेम में जगह नहीं दे पाए। इसको हमने मेन फ्रेम में जगह नहीं दी, मेन क्या रीजन है, इसका एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा बैडली, तो उसका जो फ्रेम है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने इससे अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कैसे हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे मेन फ्रेम में जगह दें, ये अभी तक भी प्रॉब्लम है। हमने इसे कहाँ रखा हुआ है, बॉटम में प्लेस किया हुआ है। तो ये देखो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को हमने बॉटम में प्लेस किया हुआ, रीजन क्या है, देखो 58 यहां पे, अगर सपोज करो ये 14 के 14 एलिमेंट को मैं यहां पे रखूंगा तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो ये एलिमेंट है 58 से 71 या 90 से लेके 103 तक, इसको हम अभी तक यहाँ नहीं प्लेस कर पाए। अगर सपोज करो आप 58 से और 71 तक यहाँ रखोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये दो प्रॉब्लम अभी तक भी बनी हुई है। और ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी। हमने कई बार रिपीट किया ऐसे कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या है, सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं एलिमेंट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसे सॉल्व करता है, मैंने अभी भी इसको पहले भी डिस्कस किया था कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर होगा, जैसे सबके लास्ट में S2S2S2 आ रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सबके लास्ट में 3S2P1 आ रहा है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो फाइनली जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपका फिनिश होता है। थैंक यू।